भारतीय मान्यताओं में कई रस्म रिवाज होते हैं जिन्हें रिश्तों को जन्म जन्मांतर का साथ देने वाला माना जाता है। यहाँ हम एक ऐसे ही कुंड की बात कर रहे हैं जिसकी मान्यता है कि इसमें नहाने वाले जोड़े कई जन्मों तक अलग नहीं होते। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भैदा कुंड के वाटरफॉल की, जो प्रेमी जोड़ों के लिए एक वरदान माना जाता है। इस कुंड से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर शादीशुदा दाम्पत्य इस कुंड के पानी में नहाए तो उनके बीच हमेशा ही प्रेम बना रहता है और उनमें आजीवन विवाद भी नहीं होता। ये मान्यता लोगों के बीच इतनी गहरी और विश्वसनीय है कि कई बार शादीशुदा लोगों के अलावा बुजुर्ग दंपत्ति भी भदैया कुआं में नहाने के लिए आते हैं। अपने विवाद को दूर करने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं। शिवपुरी सिंधिया रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और वो शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में रहने आया करते थे। भदैया कुंड के एक दंत कथा के अनुसार दो प्रेमी जोड़ों ने यहाँ तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया था कि इस कुंड में जो भी नहाएगा उसका प्रेम और प्रांगण हो जाएगा। तब से आज तक यहाँ रोज दर्जनों की तादाद में लोग नहाते हैं और प्रेमी जोड़े यहाँ आकर नहाते हैं। इस झरने के चमत्कार की मुख्य वजह चट्टानों से बहकर कुंड में आने वाला पानी है। जब बारिश होती है तो पानी चट्टानों से रिसकर एक वाटरफॉल का रूप लेता है और एक मंदिर के ऊपर से गिरता हुआ इस कुंड में एकत्रित हो जाता है। इस पानी में कई गुणकारी तत्व भी पाए जाते हैं। वह चिकित्सीय गुणों से भरपूर होने के कारण त्वचा संबंधित रोगों के लिए ये पानी उपचार माना जाता है। कुंड में स्नान करने का सबसे अच्छा समय मानसून ही होता है, क्योंकि इस समय कुंड में पानी काफी मात्रा में होता है और इसमें नीचे की तरह एक गौमुख बना हुआ है जिससे पानी निकलता रहता है। किसी को नहीं पता कि यहाँ गौमुख में पानी आने का स्रोत क्या है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गौमुख से निकलने वाला पानी शीतल और स्वादिष्ट होता है। ये पर्यटन स्थल 1960 से 1985 तक डाकुओं का अड्डा भी माना जाता था। उन दिनों लोग अकेले यहाँ आने से डरते थे, लेकिन अब होटल तथा अन्य सुविधाओं के आ जाने से लोगों का ये डर समाप्त हो गया है। यहाँ आने वाले सैलानियों में नौ दंपत्ति ज़्यादा होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की संख्या भी कुछ कम नहीं होती। जहाँ नौ दंपत्य सुखी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने की तमन्ना से यहाँ आते हैं, वहीं बुजुर्ग दाम्पत्य लंबे समय के वैवाहिक जीवन के होने के बाद छोटी मोटी खटपट को जड़ से खत्म करने के लिए इस झरने के नीचे आते हैं और स्नान करते हैं। SPN 9 न्यूज रूम से अभिषेक की रिपोर्ट।